जल्द ही मुकेश अंबानी की कंपनी पर होगा फ्लिपकार्ट का कब्जा। पर क्यों और कौन सी है ये कंपनी, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी हमारी वीडियो में आगे। वॉलमार्ट सपोर्टेड ई कॉमर्स बिजनेस कंपनी फ्लिपकार्ट ऑन डिमांड डिलीवरी कंपनी डंजो को खरीदने के लिए काफी उत्सुक है, मगर इस सौदे में डंजो की उलझी हुई ओनरशिप स्ट्रक्चर का पेच फंसा हुआ है, जिसको ठीक करने के लिए अभी बातचीत जारी है। यदि इसमें सफलता मिलती है तो रिलायंस की कंपनी डंजो फ्लिपकार्ट की हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस डिलीवरी कंपनी को खरीदने के लिए टाटा और जोमेटो जैसी कंपनियां भी काफी प्रयास कर चुकी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो डंजो के अधिग्रहण की बात लगातार आगे बढ़ रही है और फ्लिपकार्ट इस सौदे को लेकर काफी गंभीर है। वहीं डंजो के लिए पिछला साल कुछ खास नहीं रहा, उसे पैसा इकट्ठा करने और स्टाफ की सैलरी देने में काफी परेशानी आ रही है। डंजो अभी तक $50 करोड़ के करीब बाजार से इकट्ठे कर चुके हैं, आगे उसे और पैसा नहीं मिल पा रहा है। डंजो की ज्यादातर बाजार हिस्सेदारी जेप्टो, स्विगी, जोमेटो के ब्लिंकिट ने छीन ली है, जो कि इस समय सबकी जुबान पर बैठा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कंपनी ने $20 करोड़ में साल 2022 में डंजो की 26% हिस्सेदारी खरीदी थी। वहीं रिलायंस ने अभी तक इस सौदे को मंजूरी नहीं दी है। डंजो ने इस डील को नकारते हुए कहा था कि ये एक अफवाह है और मार्च साल 2024 तक हमारी कैश की स्थिति सुधर जाएगी। हम अपने कारोबार को बेचने के लिए किसी से भी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कंपनी डंजो ने पिछले साल जून और जुलाई की सैलरी तक नवंबर में जाकर दी। कंपनी के सीईओ कबीर विश्वास ने कहा था कि बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप लागत में कटौती के उपाय के तहत विंड टनल रोड पर अपने हेडक्वार्टर को हटाना चाहता है। साथ ही इसके साथ साथ सीईओ ने ले ऑफ का भी हिंट दिया था। क्या आपने कभी डंजो ऐप का इस्तेमाल किया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और आपका इस पर क्या कहना है ये भी जरूर मेंशन करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।